वाह वाह क्या बात है, मैंने मेरे भैया ने देखिए गिफ्ट दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं शमिता टीवी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि एक व्यक्ति का नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम होने का कारण और क्या होते हैं उसके लक्षण। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है तो हमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है और अपने डाइट को किस प्रकार से मॉडिफाई करना है। दोस्तों तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मनुष्य का हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज होता क्या है। तो ये पुरुषों का और महिलाओं का अलग अलग हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल होता है। पुरुषों का नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है 13 से लेकर के 17 के बीच, वहीं महिलाओं का नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है 12 से लेकर के 15 के बीच। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल इस रेंज के अंदर है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल इससे कम है तो इसे लो हीमोग्लोबिन लेवल भी कहा जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल कम होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों तो हीमोग्लोबिन लेवल कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं आपसे कुछ प्रमुख कारणों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपको कोई किसी प्रकार की लीवर की डिजीज़ हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का किडनी की डिजीज़ हो सकता है कि आपके शरीर में कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो। ये भी हो सकता है कि आपका जो है डाइट, आपकी डाइट में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स ना हो, आयरन ना हो, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो सकता है। दोस्तों तो ये तो थे कुछ प्रमुख कारण जिनकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन लेवल कम होने पर कौन कौन से लक्षण दिखते हैं मरीज को, तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण होता है आपका सांस फूलना। हीमोग्लोबिन लेवल कम होने पर अक्सर मरीज शिकायत करते हैं कि उनका सांस फूल रहा है, हो सकता है कि आपको चक्कर आए, हो सकता है कि आपको दिन भर थकान रहे, आपका जो है बाल झड़ने की भी शिकायत होते हैं, आपका स्किन का कलर पीले कलर का हो सकता है। तो ये तो थे कुछ कॉमन जो है लक्षण जो आपको हीमोग्लोबिन लेवल कम होने पर दिख जाएंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम डिटेक्ट हो चुका है तो ऐसी स्थिति में हमें अपने डाइट में सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें तुरंत ही मॉडिफाई कर लेने की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज़, आपको अपने आहार में हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन बढ़ा देना है। दूसरी चीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अनार और चुकंदर का सेवन करना है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन होते हैं। दोस्तों अगर आप मांसाहार लेते हैं तो आपको अंडे और मीट, लाल मीट स्पेशली का सेवन बढ़ा देना है दोस्तों, और आप जो है अंडे का सेवन भी कर सकते हैं, ये भी आपके हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करेगा। दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं, जो आप आयरन खा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है अपने डाइट को तो मॉडिफाई कर लिए हैं लेकिन आपके शरीर में किसी कारणवश आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिनमें विटामिन ए ज़्यादा हो, विटामिन ए रिच चीज़ों का इस्तेमाल आपको अपने डाइट में बढ़ा देना है क्योंकि विटामिन ए रिच चीज़ें आपका आयरन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे कि फिश में यानी कि मछलियों में विटामिन ए ज़्यादा होता है, ये आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती हैं। स्वीट पोटैटो या फिर कई सारे आपके विटामिन ए के बाहर से भी सोर्स आते हैं, टैबलेट्स कैप्सूल्स आती हैं, आप वो ले सकते हैं जिससे कि आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो जाए, जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा हो जाए, बढ़ जाए। दोस्तों डॉक्टर्स को अगर ऐसा